सर इसके बारे में देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये शुरुआत की, यहाँ के कुछ सियासी जमातों और कुछ सिलेक्टेड पर्सन को बुलाया, जो जहाँ तक ये लिस्ट स्टडी करने का सवाल है, इन्होंने जो रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनको बुलाया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनको बुलाया है, और कुछ पॉलिटिकल कुछ क्या अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स को बुलाया है। इसमें कुछ को नहीं बुलाया होगा, इसके लिए तो सेंटर जवाब देगी, लेकिन हमारा मानना यह है कि एक शुरुआत तो हो गई है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अभी तक जो कहीं पे बातचीत का सिलसिला नहीं था, कहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का सवाल नहीं था, ब्यूरोक्रेसी ने पॉलिटिकल लीडर्स को डस्टबिन में डालने की जो कोशिश की थी उससे अब मरकजी सरकार अब रिवाइव करना चाहती है यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम। हम इसको वेलकम करते हैं, और जो लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि हमको क्यों नहीं बुलाया, उनका भी कहना दुरुस्त है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक नोट ऑफ इट कि ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो भी अपने व्यूज को पेश कर सके। ऑलरेडी हमारा जो स्पोक्स पर्सन है, अपने जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी के, उसने तो प्रेस ब्रीफिंग की है, उसमें वो आया है, बट विल बी आवर स्टेट।